बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबरक व तआला के फजलो करम से खैर व अफियत होंगे। आज मैं आपके लिए बेपनाह गैबी दौलत पाने का एक नहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। सुबह उठते ही सिर्फ 11 बार ये एक कुरानी आयत जो मैं आज आपको बताऊँगा, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। अल्लाह तबरक व तआला से आप जो मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता करेगी। मेरी वो बहनें और भाई जिनके घर में बहुत ज़्यादा रिज़क में तंगी आ चुकी है, जिनके घरों के माली हालात ख़राब हैं, जिस चीज़ में जिस काम में हाथ डालते नुकसान हो जाता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर वो सुबह उठते ही ये एक कुरानी आयत सिर्फ 11 बार पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला शाम होने तक अल्लाह पाक उनके घर में गैबी दौलत की बारिश कर देंगे। उनके घर में इतना ज्यादा रिस्क आना शुरू हो जाएगा कि वो हैरान हो जाएंगे। तो ये आज का वजीफा मेरी वो बहन और भाई लाजमी करें जो कि मौली हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जिनके घरों में बहुत ज्यादा गुर्बत है। तो आपने करना ये है कि सुबह उठते ही आपने ये अमल करना है। आपने कोशिश करें कि यह वजीफा सुबह फजर की नमाज से पहले पहले आप ये अमल कर लें। आपने अव्वल तराखर दुरूद पाक पढ़ना है, चाहे 3 मरतबा पढ़ लें, चाहे 7 मरतबा पढ़ लें, चाहे 11 मरतबा पढ़ लें, आपको जो भी दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने कुरान पाक की ये आयत अल्लाहु लतीफ़ुन बी इबादिही यरज़ुकु मन यशाउ वहुवल कवीउल अज़ीज़, आपने इस कुरानी आयत को 11 मरतबा पढ़नी है। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, आपने इसको 11 बार पढ़ना है। 11 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबरक व तआला के दो नाम या रज़ाकु या अल्लाहु, या रज़ाकु या अल्लाहु, इन दो नामों की एक तस्बीह आपने 100 दानों वाले आपने पढ़नी और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से हजूर नबी पाक सल्लम के सदके उसके वसीले से आपने मांगनी। यकीन कीजिए जो मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता करके अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा रिस्क और दौलत अता करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे और शाम तक आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये आज का वजीफा आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जिस